नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष भीष्म साहनी द्वारा रचित भाग्यरेखा कहानी का उद्देश्य या संदेश को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। भीष्म साहनी द्वारा रचित भाग्यरेखा कहानी का उद्देश्य या संदेश। वर्तमान हिंदी कथाकारों में भीष्म साहनी जी का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। सच पूछा जाए तो ये मूलतः मानवीय संवेदना के कथाकार हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से जहां एक तरफ कथा साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, वहीं दूसरी ओर आधुनिक जीवन की विसंगतियों को भी बड़े ही सुंदर ढंग से व्यंग्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है। यथार्थ की पैनी पकड़ तथा गहरी संवेदना इनकी कहानियों की प्रमुख विशेषता है। भाग्यरेखा इनकी एक सुप्रसिद्ध व्यंग्यात्मक कहानी है। यह कहानी पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग के संघर्ष को दर्शाने वाली कहानी है, जो वर्षों से चली आ रही है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने ऐसे लोगों की मानसिकता पर करारा व्यंग्य किया है जो भाग्य तत्व को ही सर्वोपरि मानते हैं और कर्म तत्व को गौण मानते हैं, जबकि सत्य कुछ और है। पूरी कहानी तनाव और द्वंद्व के बीच से गुजरते हुए कर्म के महत्व को प्रतिपादित करती है। अतः यह एक उद्देश्य प्रधान या संदेश प्रधान कहानी है। वास्तव में भाग्यरेखा कहानी मनुष्य की भाग्यवादिता पर गहरी चोट व व्यंग्य करते हुए कर्मवादिता के महत्व को स्थापित करने वाली कहानी है। यही नहीं, मनुष्य के इन दो हाथों में कितनी शक्ति छिपी हुई है इसे भी उजागर करने वाली एक प्रेरणादायक कहानी है। लेखक दरअसल भाग्य का विरोधी है और कर्म का समर्थक है। यही कारण है कि लेखक प्रत्येक व्यक्ति को कर्मवादी बनाना चाहता है, भाग्यवादी नहीं। कहानी के विविध प्रसंग इस सत्य को उद्घाटित करते हैं कि भाग्य कहकर कुछ होता ही नहीं है, बल्कि कर्म ही सब कुछ है। जैसे ज्योतिषी और बूढ़े यजमान का प्रसंग यह सिद्ध करता है कि धन कमाने के उद्देश्य से जब ज्योतिषी बूढ़े आदमी का हाथ देखता है और उससे कहता है कि तुझे धन मिलेगा, तो बूढ़ा आदमी उसके गाल पर जोर से थप्पड़ मार देता है और कहता है कि 3 साल से तो मैं भाई के टुकड़ों पर पल रहा हूँ और तू कहता है तुझे धन मिलेगा। धन आखिर कहाँ से मिलेगा और धन कैसे मिलेगा? यही नहीं, जब ज्योतिषी यह कहता है कि कम से कम तुम्हारी पत्नी के भाग्य से भी तुम्हें धन मिलेगा, तो बूढ़ा यजमान यह भी कहता है कि वही तो 4 बच्चों को छोड़कर अपनी राह चली गई है, फिर तू ही बता धन मुझे कहाँ से और कैसे मिलेगा, धन मुझे कौन देगा। अंत में बूढ़ा यजमान क्रुद्ध होकर कनाट सर्कस के बाग में एक लंबी जुलूस को दिखलाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते हुए अपनी 5 उंगुलियां कटी हथेली को ज्योतिषी के सामने रख देता है और कहता है कि देख देख मेरी हथेली, तू कैसे कहता था कि भाग्य रेखा मेरी कमजोर है। और फिर वह बाएं हाथ से छाती को थामे हुए जोर जोर से खांसने लगता है। कहानी की ये दोनों घटनाएं कर्म में विश्वास और निराशा में अविश्वास को दिखलाती है। भाग्यरेखा कहानी मजदूरों की इच्छा शक्ति और
मनुष्यों की कर्मवादिता की कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें यह संदेश दिया है कि मनुष्य के बीच जो भेदभाव की रेखाएं हैं वह सदा सदा के लिए टूट जाए, समाज में पूंजी का केंद्रीकरण न हो, अर्थात धन केवल कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में सीमित न हो बल्कि पूंजी का विकेंद्रीकरण हो, धन सबके पास पहुँचे, सभी लोगों में समानता का अधिकार प्राप्त हो, सभी लोग मिलजुल कर रहें। ज्योतिषी के माध्यम से कहानीकार ने भाग्य को ही सर्वश्रेष्ठ बताया है, लेकिन कटी अंगुलियों वाला मजदूर ज्योतिषी के गाल पर थप्पड़ मारकर भाग्य को ठीक से पढ़ने के लिए कहता है। कारण मजदूर भाग्य पर नहीं बल्कि कर्म पर विश्वास करता है। यह सब देखकर ऐसा लगता है कि मानो ज्योतिषी के मुंह पर मारा गया थप्पड़ भाग्य के ऊपर मारा गया थप्पड़ है। कारण भाग्य कहकर कुछ होता ही नहीं है, कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही मनुष्य के जीवन में बदलाव ला सकता है। अतः इस कहानी के माध्यम से लेखक ने स्पष्ट संकेत दिया है कि भाग्य तत्व गौण है और कर्म ही श्रेष्ठ है, कर्म ही सब कुछ है। मजदूरों की भाग्य रेखा उनके संगठन और कर्म में निहित है और यही समाज में साम्यवाद की नींव रख सकता है। निस्संदेह भीष्म साहनी कृत भाग्य रेखा कहानी की ये दोनों घटनाएं कर्म में विश्वास और निराशा में अविश्वास को दर्शाती है। भाग्य रेखा कहानी मनुष्य के दो हाथों की छिपी हुई शक्ति को दर्शाती है। यह कहानी हमें कर्तव्य करने की प्रेरणा देने वाली कहानी है। कहानी अपने विकास में निम्नलिखित उद्देश्यों को लेकर चली है जिसमें कहानीकार को पर्याप्त सफलता मिली है। कहानी के निम्न उद्देश्य इस प्रकार हैं: संगठन का महत्व, कर्म में विश्वास, भाग्य गौण तत्व है तथा पूंजी का विकेंद्रीकरण। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि भाग्य रेखा कहानी हमें यह संदेश देती है कि भाग्य रेखा हथेली की अपेक्षा मनुष्य के कर्म में निहित रहती है। मजदूरों की क्रांति ही उन्हें शोषण से बचा सकती है। संगठन, समन्वय और असान्वित दृष्टिकोण ही भाग्य रेखा का निर्माण काल होता है। व्यंग्यात्मक लहजे में कहानीकार ने इस अभिव्यक्ति को मार्मिकता प्रदान की है। अतः हम कह सकते हैं कि भीष्म साहनी हिंदी साहित्य के एक मूर्धन्य कथाकार हैं और भाग्य रेखा इनकी एक श्रेष्ठ कहानी है। यह कहानी मानव मात्र को कर्म करने की प्रेरणा देने वाली कहानी है। आशा करता हूँ आप इस कहानी का उद्देश्य अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।